हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस मॉर्निंग के जो 5 बजे है, अपना जब रूटीन होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उठ गई थी। और उठते सबसे पहले अपने मंदिर की लाइट खोलती हूँ, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अपने दिन की शुरुआत जो होती है भगवान जी से ही करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बनाने थे। और इतना करते करते जो है आधा घंटा बीत ही गया था और 5:30 हो गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। तो बाहर मैंने जब देखा तो देखो ना कैसा अंधेरा सा है, क्योंकि पहले क्या होता था, जब काफ़ी वेदर में अब चेंज आ गया है, तो पहले तो इतने 5 बजे करीब जो है उजाला रहता था, लेकिन अब हल्का हल्का सा अंधेरा रहता है। और आगे आगे जैसे मौसम आगे, मतलब विंटर्स आएंगे ना, देखना आगे आगे 6 बजे करीब क्लियर जो होता है वो उजाला होता है। तो यहाँ पे बस सबसे पहले फिर अंदर आई तो आटा वगैरह गूंद दिया था पहले मैंने, और इतना करते करते जो है वो आलू भी बॉयल हो गए थे, तो अब आलू छीलने के लिए छील दिए थे मैंने। तो आलू के पराठे बनाने का वैसा मेरा कोई मतलब प्लानिंग नहीं थी, बट बच्चों ने रात में अचानक से बोला कि कल हमें ना आलू के पराठे दे देना। तो मैंने कहा चलो भाई, बच्चों की बात मान ली जाए, क्योंकि अच्छा लगता है ना बच्चे जो बोले ब्रेकफास्ट में उनको वही दिया जाए, तो खुशी से लंच करते और अच्छे अच्छे खुश होकर स्कूल भी जाते हैं ना। तो यहाँ पे फिर अब प्याज वगैरह काट दिया था, तो बस वही है। अब आलू के लिए मसाला तैयार कर रही थी, प्याज धनिया हरी मिर्च नहीं डालती, क्योंकि कहीं बच्चों को अगर स्कूल में लगे तो फिर भैया मतलब मिर्ची नहीं लगनी चाहिए ना उन्हें, है ना। तो इस करके मैं, अगर घर में होती तो शायद डाल भी लेती, बट स्कूल में जब देती हूँ ना तो मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे अजवाइन भी डाल दी थी, क्योंकि अजवाइन से जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं अच्छे से ना, तो इस करके बस। अब यहाँ पे मसाला तैयार कर दिया था, और इतना करने के बाद मैं अपने बड़े बेटे को उठाती हूँ ताकि वो अपना टाइम पर रेडी हो जाए। एक एक करके उन्हें उठाती हूँ, सबसे पहले बड़े वाले को उठाती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे फ्रूट लंच उनके ना, लंच 9 o'clock जो होता है उनका फ्रूट लंच होता है, तो उसके लिए मैं फ्रूट काट के रख रही थी। तो एप्पल दिया था, और इस तरीके से दोनों के टिफ़िन में काट के, और इस तरीके से फॉइल पेपर से ना उन्हें कवर कर देती थी। तो इससे मैंने देखा कि जो एप्पल होता है ना, अगर उसको ज़्यादा टाइम के लगो तो वो रेड सा हो जाता है ना, बट ऐसे फॉइल पेपर से कवर कर दूँ तो वो वैसे ही रहता है। बच्चे कहते हैं 9 बजे तक भी वो अच्छा रहता है, ठंडा सा भी रहता है। तो चलो, अब यहाँ पर मैं उनके लिए आलू के पराठे बना रही थी। तो इतने में बच्चे जो हैं वो अपने आप से मॉर्निंग में फ्रेश वगैरह होके नहा के अपना तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो अब उनको करना नहीं पड़ता। बट जब छोटे थे ना, तो पहले उन्हें पकड़ पकड़ के तैयार करना पड़ता था, तो अब इतना रिलीफ है कि भाई बच्चे खुद से तैयार हो जाते हैं। और अब बस अब उनके मैं ये टिफ़िन पैक कर रही थी दोनों के, तो दोनों के टिफ़िन जो है और ये क्या बोलते हैं फ्रूट लंच दोनों के पैक हो गए थे, बच्चे भी रेडी हो गए थे। बाय। टाइम हुआ है 7 बज गए हैं और बच्चे जा चुके हैं। 7 बजे जो है बच्चों की वैन भी आ जाती है, तो इस कारण जो है बहुत जल्दी उठना पड़ता है। और सुबह जब मैं उठी थी, पहले मैंने सोचा जल्दी से भिंडी बना दूँ, लेकिन फिर वही होता है ना कि जब बच्चों की डिमांड होती है, तो कल रात उसने कहा था दोनों ने कि आलू का पराठा बना देना, फिर मैंने कहा चलो यार बच्चों ने कहा है, अच्छा लगता है जो बच्चे बोले वही बनाए, क्योंकि फिर वो खुश हो के भी जाते हैं और टिफ़िन लंच टाइम में भी ना बड़े उत्साह से वो टिफ़िन खोलेंगे कि आज हमारी मनपसंद का ब्रेकफास्ट है। और वेदर ना थोड़ा काफ़ी चेंज हो गया है, मॉर्निंग में जब उठो 5 बजे तो पहले एकदम काफ़ी उजाला रहता था, लेकिन अब क्या होता है हल्का हल्का सा ना अंधेरा सा रहता है। अब मैं फटाफट से पानी पीती हूँ। तो अपना 4 ग्लास जो है गुनगुना पानी पीने के बाद आ गई थी छत में, तो छत में अब मुझे झाड़ू लगा रही थी। और छत में झाड़ू के साथ साथ आज मैंने क्या करा, थोड़ा बहुत पौधों की कटाई छटाई भी कर दी थी। और बस अब यहाँ पे ना कबूतरों के लिए दाना पानी रखती हूँ, तो कबूतर थोड़ा ना गंदा तो कर ही देते हैं, तो आज मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के वहाँ पे साफ भी कर दिया था। और पानी डालने से ना इस तरीके से झाड़ू लगाई तो छत एकदम क्लीन भी हो गई थी। और अब आ गई हूँ नीचे और धो दिए हैं बर्तन भी। बर्तनों को ना ज़्यादा जमा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पानी भर के रख दिया, इस पानी को बकेट में डाल दूंगी। टंकी का पानी यूज नहीं होगा, इसी से कपड़े धुल जाएंगे। पहले मैंने हल्के वाले डाले तो कपड़े भी धुल गए, छत में नहीं डाले मैंने, इनको बाद में डालूंगी। कपड़े भी धुल गए हैं, क्लीनिंग वगैरह भी सब हो गई, बस अब एक काम रह जाता है, वो सबसे मेन काम होता है नहाने के बाद, वो होता है सूर्य देवता को जल चढ़ाना और पूजा पाठ। और अब बस फटाफट से जाती हूँ, उसके बाद बच्चों के पापा जी नहाने गए हैं, तो उसके बाद उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अब यहाँ पे बच्चों के पापा जी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और टिफिन भी तैयार कर दिया था। तो ब्रेकफास्ट बनकर हो गया रेडी, घर का घी हो साथ में और आलू के पराठे,
तो मजा ही आ जाता है। और ये भी हो गए रेडी, और अब बच्चों के पापा जी भी ऑफिस चले गए हैं, और अब मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि मुझे अब ब्रेकफास्ट करना है, तो इनके जाने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। वैसे ना मैं चाय इस टाइम पर बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैं आलू के पराठे जो हैं वो मुझे चाय में ही पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ, और उसके बाद बस अब किचन क्लीनिंग रह जाएगी मेरा काम। माँ के घर पे पूरे काम हो गए हैं, किसी किसी दिन होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और आज एक तो ना छत की सफाई में थोड़ा टाइम भी लग गया था आज, क्योंकि छत में इसलिए था आज तो थोड़ा गमलों की कटाई छटाई भी हो गई थी, फिर गमलों के नीचे ना काफ़ी मिट्टी होती है तो वो भी साफ करनी थी। और दूसरा क्या है कि मैं ना कबूतरों के लिए ना दाना और पानी रखती हूँ हमेशा। बोल तो सकते हैं नहीं, वो जीव है ना, तो एक तो होता है कि जो बोल ले तो बोलने वाले के लिए तो दिया जा सकता नहीं क्योंकि वो मांग के खा लेगा, लेकिन वो तो बेचारे बेजुबान है ना, तो इसलिए ना अपनी तरफ से इतना कर लेती हूँ कि हमेशा, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए मुझे उनके लिए बाजरा और पानी दो चीज़ें मैं मिट्टी के जो मैंने बर्तन है छत में रखे हैं वहाँ पे रख लेती हूँ, लेकिन उनकी फितरत ही होती है कि वो खाते कम है और गिराते जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा जहाँ पे मैं रखती हूँ उनके लिए तो बाजरा गिरा होता है, तो इसलिए मुझे छत की जो है रेगुलर सफाई भी करनी होती है। और दूसरा बच्चे के यहाँ अब छत में जाके खेलते हैं डेली, तो उस कारण भी छत को मुझे रेगुलर में साफ ही रखना पड़ता है, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि काम ही पूजा है, तो भाई कामों से क्या बचना है ना, वो तो हमें ही करने पड़ेंगे है ना, चाहे हम रो के करें चाहे हम हंस के करें, तो क्या फायदा है रोने से, हंस के ही कर लिए जाए ना। चाय के साथ जो है वो गर्मा गर्म तो नहीं कहे जा सकते क्योंकि बना के मैंने पहले ही रख दिए थे, तो कोई नहीं, ठंडे पराठे भी बहुत अच्छे होते हैं गर्मा गर्म चाय हो तो। बस मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, और अब यहाँ पे किचन की जो मेरी क्लीनिंग थी वो भी हो गई थी, तो सारे मेरे मतलब घर के कंप्लीट हो गए थे सारे काम, और अब ये लास्ट में था। ये मॉर्निंग में ना मैंने सोफों के जो कवर थे ये मैंने चेंज कर दिए थे, तो वो तो धो के मैंने छत में सुखा दिए थे, बट अब मैंने उसी समय नहीं बिछाए क्योंकि मैंने कहा ना जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं पहले मैं उन्हें करती हूँ, तो मॉर्निंग में जो ज़रूरी काम थे वो कर दिए थे, तो अब ये इत्मीनान से लास्ट बस यही काम रह गया था, तो मैंने कहा इनके कवर भी बिछा दूँ, नए कवर निकाले और वो बिछा दिए थे। तो इस तरीके से जो मेरी मॉर्निंग होती है वो 5 बजे से शुरू हो जाती है, और अभी तो ये आधे दिन की क्लिप है, क्लिप को ज़्यादा बढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। गुड बाय, और मिलते हैं कल के व्लॉग में, एंड बी पॉजिटिव।